हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत ही टेस्टी और यमी पानी पूरी बनाई है। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रियाशु होम किचन में। तो पानी पूरी वाले जिस टाइप में पानी पूरी बनाते हैं, सेम वही प्रोसेस मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो वैसे ही पानी पूरी हम बनाने वाले हैं। तो मैंने सबसे पहले इमली साल भर के लिए ऐसे सुखा कर उसके लड्डू बना कर रखते हैं, तो मैंने उसमें से दो लड्डू ले लिए हैं और उसमें पानी डालकर मैं इसे गैस पर चढ़ा लूँगी। ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इसे भिगोने से अच्छा है कि हम इसे उबाल ही ले। तो यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है और उसमें मैं ये येलो वटाना जिसको बोलते हैं, ये इसमें डाल दूँगी और इसे मैं गैस पर चढ़ा लूँगी। अब मैं इसमें दो तीन आलू भी डाल दूंगी, क्योंकि इससे बाइंडिंग इसकी अच्छी आएंगी। हमें इसका रगड़ा बनाना है पानी पूरी के लिए। तो इसका छिलका निकाल कर मैंने इसे धो लिया है। अब इसके बड़े बड़े पीसेस करके इसमें डाल दूंगी। ये पानी पूरी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप ऐसी पानी पूरी घर पर ज़रूर बना के देखिए। पानी पूरी वाले इसी प्रोसेस में बनाते हैं पानी पूरी। तो अभी मैंने इसमें हल्दी डाल दी है थोड़ी सी और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। अभी देखिए, इस कुकर के रिंग को मैंने फ्रिज में रखा था, क्योंकि ये थोड़ी सी लूज हो चुकी है। तो फ्रिज में रखने से ये इससे एयर पास नहीं होती है। तो अभी देखिए, ये भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है, इसे हमें और पकाना है। एक बार ये सारी चटनियाँ जो है इसे बनाने के बाद हम इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज में इसे रख दीजिए तो 8 से 10 दिन तक चल जाएंगी। तो अभी मैं सारी चटनियाँ और सब कुछ एक ही वीडियो में बना रही हूँ, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे पानी पूरी के लिए जो पानी होता है वो बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पुदीना लिया है, उसे अच्छे से चुन लिया है और पानी में मैं इसे डालकर धो लूँगी। बाज़ार से लाए तो थोड़ा सड़ा हुआ भी होता है कभी कभी, तो इसको मैंने अच्छे से देखकर इसे धो लिया है। दो पानी से मैंने यहाँ पे इसे धो लिया है। अभी साफ़ पानी में डालकर अभी मैं इसे मिक्सर के जार में निकाल लूँगी। तो अभी मैंने इसी पानी में मैंने धनिया भी डाल दिया है, क्योंकि इसे भी हमें दो पानी से धोना है। इसे बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो इसे मैं फेंक दूँगी इस पानी को। अभी मैंने साफ पानी लिया है और इसे भी मैं मिक्सी के जार में डाल दूंगी। चलो ये हो गया। तो अब देखो, इमली हमने जो उबालने के लिए रखी थी उसमें हम गुड़ डाल लेंगे। करीब 1.25 किलो के करीब हमें इसमें गुड़ डालना है। तो मैं या इसी स्टेज में गुड़ डाल देती हूँ, क्योंकि गुड़ में भी कभी कभी कचरा होता है। तो इसको एक साथ मैं जब छान लूँगी तो सब कुछ निकल जाएगा कचरा इसका। और थोड़ी सी मैंने चीनी डाली है और 1 ग्लास के करीब पानी डाला है। तो इसे अच्छे से अब उबलने देंगे। अब ये मिक्सी के जार में मैंने 4 काली मिर्च डाली है और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाला है बारीक करके।
और अभी देखिए, मैंने यहाँ पे जो मिर्च लाते हैं उसमें से जो छोटी छोटी मिर्च होती है, मतलब पूरी पकी हुई नहीं, तो उसको चुन लिया है और वो डाल दूंगी, क्योंकि उसका स्वाद तो अच्छा होता है लेकिन उसमें तीखा कम होता है, उसका तीखापन कम होता है, तो इसलिए मैंने वो छोटी छोटी मिर्च डाल दी है। तो अभी मैं एंड कर लूँगी। अब ये हो गया है। अभी मैंने 2 लीटर के करीब पानी लिया है और उसमें मैं इसका आधा पेस्ट डाल दूंगी, क्योंकि आधे पेस्ट की हमें हरी चटनी बनानी है। आधे से ज़्यादा ही डाला है मैंने इसमें। देखिए, अभी मैं इसमें थोड़े से सेव डाल दूंगी और इसे ग्राइंड कर लूँगी पानी डालकर। देखिए, अभी ये चटनी, हरी चटनी बनकर रेडी है। और पानी पूरी के पानी में मैंने आइस क्यूब डाले हैं और नमक डाला है, काला नमक डाला है, काला नमक मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब डाला है, क्योंकि 2 लीटर पानी है ये। और हरी चटनी में भी मैंने थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है, सादा नमक भी डाला है मैंने। और यहाँ पे ये मैं भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ। लो फ्लेम पे मैंने जीरा भून लिया था और उसे ग्राइंड कर लिया था। और थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर भी डाला है। और यहाँ पे 1 नींबू निचोड़ कर मैं इसमें डाल दूँगी। 1 नींबू डाला है मैंने यहाँ पे, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब ये पानी हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपको अंदाज़ नहीं आ रहा हो तो आप इसे टेस्ट करके इसके अकॉर्डिंग आप इसमें कुछ कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी हरी चटनी को भी मिला लूँगी, तो इसमें भी मैं आधा नींबू निचोड़ कर डाल दूँगी, क्योंकि नींबू के बिना ये इसका स्वाद तो कम ही रहेगा। तो इसे मिक्स करने के बाद ये काम भी हमारा हो चुका है। तो अभी मैं मीठी चटनी को देख लूँगी, तो वो बहुत गर्म थी तो मैंने इसे एक साइड रख दिया। अभी मैं प्याज को काट लूँगी, बहुत बारीक काटना है, तो इसमें तो मेरे से होगा नहीं, क्योंकि मुझे इस पर काटने की आदत है। लकड़े का मेरा टूट गया था चॉपर पैड। रोटी बेलते हैं जिस पर, उसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में बताना। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही बारीक प्याज काट लिया है और इसे एक डब्बे में भर कर रख दूंगी मैं, क्योंकि सारा कुछ रेडी करने के लिए टाइम लगेगा। इसे जितना हो सके उतना बारीक काटा है मैंने। हो सके तो प्याज को लास्ट में काटिएगा, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत आती है फिर बाद में। लेकिन मेरे पास अभी टाइम था तो मैंने अभी काट लिया इसे, और मैं इसे पैक करके रख रही हूँ इसलिए। तो अभी मैं इमली की चटनी को छान लूँगी। इसके पहले मैं यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, हमारे इधर इसे रवि बोलते हैं, तो इससे मैंने यहाँ पे इसे घोट लिया है, छलनी में डालकर इसे अभी छान लूंगी। इस प्रोसेस के लिए भी बहुत टाइम लगता है। ये चटनी बहुत ही मस्त बनकर रेडी होती है। कभी कभी बाहर के पानी पूरी वाले के यहाँ तो भी इस चटनी को कभी कभी, मतलब बहुत पुरानी हो जाती है तो उससे स्मेल होता है, वो अच्छी नहीं लगती। लेकिन घर की चटनी बहुत ही अच्छी और फ्रेश होती है। मैं तो ज़्यादातर सारी रेसिपीज़ घर पे ही बनाती हूँ, बाहर का बहुत ही कम ट्राई करती हूँ। तो अभी ये भी हो चुका है। इसे बहुत टाइम लगा था सच में, लेकिन मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फास्ट भी किया और वीडियो को थोड़ा कट भी किया है। तो आप इसे पहले दिन ही बना कर रखिए। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट किया था तो ये इसमें थोड़ा सा शक्कर कम थी,
तो मैंने इसमें थोड़ा सा शक्कर डाल दिया। अभी मैंने इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है, तो अभी मैं कुकर को देख लूँगी। हमारा रगड़ा ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। अभी मैं इसे रवि से अच्छे तरीके से घोट लूँगी। मेरे पास पाव भाजी का मैशर नहीं था, आप इसे पाव भाजी मैशर से भी घोट सकते हैं। पाव भाजी मैशर से ये अच्छे से मैश हो जाता है। तो ये अभी काम हमारा हो चुका है, मैंने रवि से ही इसका ये काम कर दिया। तो देखिए मेरा ये काम भी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसे ढक्कन लगाकर एक साइड रख दे रही हूँ, क्योंकि ये गर्म ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ रेडी है बनाकर। तो मैं यहाँ पे एक मसाला बनाऊँगी। जो बचा हुआ भुना जीरा पाउडर था उसमें मैंने एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है और एक चम्मच मैंने काला नमक डाला है, और उसे मिक्स कर लूँगी। तो ये पाउडर भी हमारी रेडी हो गई है। ये चाट मसाला है, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी देखिए ये पानी पूरी का पानी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। प्याज है बारीक काटा हुआ, रगड़ा है, दही लिया है मैंने, हरी चटनी है, बारीक सेव है, मीठी चटनी है, और जो हमने अभी चाट मसाला बनाया है वो है। तो इस बार मैंने ये पूरियाँ बाहर से लाई है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम मैं इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसे घर पे कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। तो मैं हर बार इसे घर पे ही बनाती हूँ, तो इस बार मेरे पास टाइम नहीं था। तो देखिए घर पे तो बहुत ही अच्छी बनती है। तो देखिए मैंने इसमें दो चम्मच रगड़ा डाला है, थोड़ा सा दही डाला है, हरी चटनी डाली है। तो मैं ये अपनी सासू माँ के लिए बना रही हूँ, तो उन्हें प्याज नहीं चाहिए था, तो मैंने इसमें प्याज नहीं डाला है। तो इसमें अभी मैंने मीठी चटनी डाली है। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दही और डाला है। सच में ये घर पे बनाई हुई पानी पूरी बहुत ही अच्छी लगती है, बाहर से भी कई ज़्यादा अच्छी। और मैंने यहाँ पे बारीक सेव डाले हैं ऊपर से, और जो मसाला था हमने बनाया था वो मसाला भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी। तो अभी मैं सादी पानी पूरी बना रही हूँ, तो इसमें मैंने रगड़ा डाल दूँगी। और मीठी चटनी डाल दूँगी, और उनको इसमें प्याज चाहिए थे, तो उनकी प्लेट में ही मैंने प्याज डाल दिए है। जैसे पानी पूरी वाले सर्व करते हैं पानी पूरी, वैसे ही मैंने यहाँ पे सर्व किया है। तो अभी मैंने इसमें पानी डालकर उन्हें दे दिया। उन्हें ये पानी पूरी बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही फ्रेश और मस्त थी टेस्ट। मैं हर बार ऐसे ही पानी पूरी बनाती हूँ, और उन्हें मेरे हाथ की पानी पूरी हर बार पसंद आती है, और घर के सारे मेंबर को भी अच्छी लगती है। तो अभी मैं यहाँ पे दही पूरी और एक बना रही हूँ उनके लिए। तो इसमें मैंने तो अभी मैंने इसमें प्याज डाला है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।